Hey everyone, welcome back to my channel SV Glam Zone. This video is continuation of hashtag winter fashion series, and in this video I am including all about ethnic winter fashion. कि कैसे आप विंटर्स में एथनिक वियर्स को स्टाइल कर सकते हो. एंड ये वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट है मेरे हैशटैग विंटर फैशन सीरीज़ का. अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको सारे वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस भी चेकआउट कर लें. उन सारे वीडियोज़ में मैंने विंटर्स की डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइलिंग शेयर की है आप सबके साथ. बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट लुक के लिए मैंने यूज़ की है ये लॉन्ग स्कर्ट. अपने इस लॉन्ग स्कर्ट को मैंने स्टाइल किया है विद अ ब्लैक स्वेटर. आप अपने स्कर्ट से मैचिंग का कोई भी एक स्वेटर यूज़ कर सकते हो, और स्कर्ट के नीचे आप कोई भी वॉर्म लेगिंग पहन सकते हो जिससे आपको ठंड भी नहीं लगेगी. और ये एथनिक लुक देखने में भी बहुत स्टाइलिश लगता है. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं अपनी ऑक्सीडाइज जंक ज्वेलरीज एंड ये ऑक्सीडाइज सिल्वर झुमकास. और लुक को कंप्लीट किया है मैंने विद सिल्वर रिंग एंड सिल्वर बैंगल्स. और पैरों में मैंने पहना है आगे से क्लोज सैंडल बिकॉज ओपन रहेगा तो थोड़ा सा ठंड ज़्यादा लगेगी. दिस इज़ माई फर्स्ट लुक. सेकेंड लुक के लिए यूज़ किया है मैंने ये वॉर्म वुलन कुर्ती, एंड उसके साथ मैंने पेयर अप किया है वॉर्म लेगिंग्स. आप कोई भी एक वॉर्म कुर्ती एंड वॉर्म लेगिंग्स का सेट यूज़ कर सकते हो. साथ में मैंने ली है एक शॉल जो विंटर्स के लिए परफेक्ट ड्रेस है, वुलन कुर्तीज एंड वुलन शॉल एंड वुलन पैजामा. और पैरों में मैंने यूज़ किए हैं ये ब्राउन कलर की मोजरी बिकॉज ठंड में अगर आप ओपन स्ट्रैपीज या सैंडल्स कुछ पहनते हो तो उसमें ठंड भी लगती है और लुक वाइज भी वो अच्छा नहीं लगता है. इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है विद दिस गोल्डन नेक पीस एंड गोल्डन कलर झुमकास. थर्ड लुक के लिए मैंने सेम वुलन कुर्ती को स्टाइल किया है विद द जीन्स एंड डेनिम जैकेट. किसी भी कुर्ती को डेनिम जीन्स के साथ एंड जैकेट के साथ पेयर अप कर सकते हो. ये देखने में बहुत स्टाइलिश लगता है और बहुत कंफर्टेबल भी होता है. एंड सेम लुक को मैंने कंप्लीट किया है विद दिस स्टेटमेंट झुमकास. एंड लेग्स में मैंने हील्स यूज़ की हैं. ये आगे से क्लोज नहीं है. इफ़ यू हैव एनी क्लोज फुटवेयर तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ माय थर्ड लुक. थर्ड लुक में मैंने यूज़ किया है अगेन अ लॉन्ग स्कर्ट विद अ वाइट टॉप. सेम लुक मैंने शेयर किया था आप सबके साथ मेरी लास्ट वीडियो जो थी अबाउट विंटर वेडिंग ड्रेसेस. ये ड्रेस आप चाहो तो किसी पार्टी में भी इजीली यूज़ कर सकते हो. तो इस लुक में मैंने एक ब्राइट रेड कलर का स्कर्ट यूज़ किया है विद अ वाइट टॉप. आप वाइट टॉप की जगह अगर आपके पास वाइट शर्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. एंड इसे मैंने कंप्लीट किया है विद अ गोल्डन नेक पीस एंड ईयरिंग्स. इस लुक को आप किसी भी वेडिंग पार्टी या विंटर नॉर्मल पार्टी में आराम से कैरी कर सकते हो.
एंड मेरे नेक्स्ट एंड फिफ्थ लुक के लिए मैंने सेम वुलन कुर्ती यूज़ की है, बट आप कोई भी कॉटन की कुर्ती भी यूज़ कर सकते हो। अपने कॉटन की कुर्ती को आप एक शॉल और लेगिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हो। शॉल को मैंने इस तरह से कैरी करके उसे एक बेल्ट से टाई कर दिया है, जो यूज़ करने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। एंड लेग्स में मैंने यूज़ की है मैचिंग की अपनी पिंक कलर की बेलीज। इस लुक को कंप्लीट किया है मैंने अपने ऑक्सीडाइज स्टड इयररिंग्स के साथ। चाहो तो इस लुक को अपनी किसी भी कॉटन कुर्ती या किसी भी वुलन कुर्ती के साथ कंप्लीट कर सकते हो, दोनों के साथ यूज कर सकते हो दिस लुक को। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।